हेलो गाइस, वेलकम टू अर्शांग आर्ट। तो मुझे पता है कि मैंने बहुत दिनों से कोई वीडियो अपलोड नहीं किया, कर नहीं पा रहा था, क्योंकि मुझे कोई चीज़ मिल ही नहीं रही थी घर पे, क्या कस्टमाइज़ करूँ। तो मुझे दो चीज़ें मिली है, ये हॉट व्हील्स जो अभी आप देख रहे हो, और ये सिर्फ एक ही हॉट व्हील्स नहीं है, आज हम तीन हॉट व्हील्स करेंगे कस्टमाइज़। और अगले वीडियो में मेरे दूसरे शूज़ भी मैं ला रहा हूँ। तो ये एक हॉट व्हील है, सिर्फ ये एक ही हॉट व्हील नहीं होगी, और एक है, ये एक हॉट व्हील है और ये भी है। तो ये तीन हॉट व्हील्स, ये एक्यूरा NFX, ये NFX नीड फॉर स्पीड गेम में की एक है, और फिर ये एक रेसिंग कार है, इसका कोई पर्टिकुलर नेम नहीं दिया है, और ये लैम्बोर्गिनी यूरस है, लैम्बोर्गिनी का SUV है। तो हम तीनों को हम लोग ने सैंड ब्लास्ट किया है सैंड पेपर से, थोड़ा सा जितना हो सके उतना कलर ये किया है, जिससे थोड़ा उन लोग का सरफेस स्मूथ हो जाए कलर करने के लिए। और हम इस पर एक्रेलिक कलर यूज़ करेंगे और फिर ऊपर से क्लियर कोट पेंट कर देंगे, जिससे थोड़ा कलर फिर और स्ट्रांग हो जाए, निकले ना कभी, और अच्छा लुक भी आएगा शाइनी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अभी हमने डिसाइड किया कि इस कार को भी वही कलर कर देंगे, लाइट ग्रे कलर, तो जिससे मतलब थोड़ा ऐसा लगेगा कि एक कलेक्शन की कार है, दोनों मैच करेंगे। तो आप देख सकते हो अभी ये कार एकदम अच्छी लग रही है, तो सोचा इसको भी वही कर दूँ, तो इस पर हम अलग पैटर्न बना सकते हैं, या फिर सोच रहा हूँ लाइट ग्रे या फिर ब्लैक और वाइट यूज़ करके एक पैटर्न बनाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न। तो आगे देखते हैं अभी हम क्या करते हमारी ये लैम्बोर्गिनी तैयार हो चुकी है एकदम मस्त कस्टमाइज करके, जो मैंने आपको बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न बनाएंगे, तो ऐसा ट्रायंगल शेप का एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न बनाया। और मैं सोच रहा हूँ कि इस गाड़ी को अगले वीडियो में कस्टमाइज़ करेंगे, क्योंकि मैंने अभी तक डिज़ाइन सोची नहीं है कुछ, और मैं नहीं चाहता कि कुछ भी हो। और अभी तो रात हो रही है, इसलिए फिर मैं कल सुबह इसके मस्त फ़ोटोज़ क्लिक करूँगा, और फिर तब हम फ़ोटोज़ खींचेंगे, क्योंकि अभी तो फ़ोटोज़ नहीं खींच सकते। तो अभी ये बहुत अच्छी लग रही है, तो अभी के लिए हम लोग पैकअप कर रहे हैं। चलो बाय बाय।